इफ़ यू आर एफ एनो ट्रेटर तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है सो हाई एवरी वन मेरा नाम दिनेश है और आप सभी लोग मेरे को एज ए स्टॉक पर्टर जानते हो तो अभी मैं आपके साथ अपना जो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है आई एव बिन ट्रेडिंग सिंस ट्वेंटी ट्वेंटी दिसंबर जो आप सभी लोगों को मेरा जो जर्नी पता है तो दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी से मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने स्टॉक से ट्रेडिंग इस्टार्ट किया था और अभी मैं एक्टिवली अपना एफ़ एन ओ में ट्रेड करता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन में और खासकर जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है स्कैल्पिंग में तो स्कैल्पिंग क्या होता है स्कैल्पिंग मैं क्यों चूज़ किया या स्कैल्पिंग में क्यों करना प्रेफर करता हूँ वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा बट उससे पहले मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला वो है एक्सपीरियंस हो सकता है कुछ यहाँ पे बिगिनर होंगे हो सकता है कुछ कर रहे हैं काम हो सकता है कुछ मेरे से पुराने हैं और वो वो मैटर नहीं करता बट एक होता है कि आप दूसरे के एक्सपीरियंस से क्या सीखते हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है ठीक है तो सभी का वही स्टार्टिंग होता है कि यार जब भी आप मार्केट को देखते हो एज अ uh, क्या है एज अ बिगिनर जब भी आप मार्केट को देखते हो तो आपको क्या दिखता है मार्केट के अंदर सिंपल सा पैसा दिखता है कि हर किसी को एक ही थाट रहता है आप कि मैं पैसा बनाऊँगा और यहाँ पर आएंगे ट्रेड करेंगे इंटरडे में ट्रेड करेंगे लाख तो रुपये लगाएंगे बीस तीस हज़ार बनाएंगे दिन का हमारा तीस हज़ार बनेगा महीने का हमारा तीन से पाँच लाख बन जाएगा तो कुल मिला हमारा बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा स्टॉक मार्केट इतना ईजी नहीं है ठीक है क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर पैसा बनता है हाँ पैसा बनता है बिल्कुल बनता है बट उसकी कुछ कंडीशंस ठीक है थीके? और वो कंडीशंस क्या हैं वो मैं जब अपना थोड़ा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उससे आपको पता चल जाएगा ठीक है तो स्टॉक से अपन ने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था स्टॉक्स में अपने को लॉस हुआ अपन ने क्या सोचा कि सीधे सीधे आप क्या करते हैं एफ़ में ट्रेड और एफ में ट्रेड आप सभी लोग कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि एफ में कितना ज़्यादा रिस्क होता है तो एज़ पर द रिस्क अपना कुछ टाइम प्रॉफिट बना हमारे दिमाग में भी मेरे दिमाग में भी वही चीज़ आया कि हाँ क्या करते हैं कैपिटल इंक्रीज़ करते हैं जो छोटे मोटे लॉसेस हुए ये कवरअप हो जाएगा बट वही अपनी सबसे बड़ी गलती होती है फर्स्ट मिस्टेक कि आप जब अपना कैपिटल बढ़ा देते हो ये सोच के कि छोटे कैपिटल से दस हज़ार से मेरा एक हज़ार बन रहा है तो अगर मैं एक लाख रुपए यहाँ पर जुगाड़ करके डाल दूँ तो शायद मेरा दस हज़ार बन जाएगा सबसे पहली मिस्टेक क्यों क्योंकि मार्केट आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता है ना मैं देता है नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ दिखाता है इसलिए क्योंकि जब देता है तब हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और जब वो दिखाता है तब हमारे अंदर क्या होता है एक होप आती है कि एक एक उम्मीद जागती कि काश मैंने यहाँ पे पचास रुपये के प्रीमियम जब चल रहा था तब मैंने यहाँ पे एक लाख रुपये लगाया होता अभी प्रीमियम चल रहा है ढाई तो मेरा पैसा पाँच गुना बन चुका होता और मैं काफ़ी अच्छा पैसा बना लेता इट मीन्स क्या मार्केट ने आपको क्या दिया एक होप दिया मार्केट ने आपको दिखाया लेकिन जब आप अपना पैसा लेके आते हो ट्रेड में पैसा डालते हो तो वहाँ पे पैसा नहीं बनता है वो पचास का प्रीमियम ज़ीरो हो जाता है तो ये डार्क रियलिटी है मार्केट की ऑप्शन ट्रेडिंग की जब भी जितना टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ मैं ये चीज़ रोज़ देखता रहता हूँ रोज़ ही ट्रेड करते हैं तो हमें पता है कि मार्केट के अंदर क्या किस तरीके के मूवमेंट्स आते हैं और अभी जो मार्केट में जो अभी का जो फेस चल रहा है अभी जो इस तरीके का मार्केट हो चुका है ये रिटेल ट्रेडर के लिए सबसे डेंजरस मार्केट है बताता हूँ क्यों क्योंकि मंडे ट्यूजडे वेन्सडे थर्सडे फ्राइडे पाँच दिन आप ट्रेड करते हो पाँच के पाँच दिन एक्सपायरी है आप सभी को लगेगा कि यार पाँच के पाँच दिन एक्सपायरी है तो इट मीन्स हम पाँच के पाँच दिन पैसा बना सकते हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि पचास का प्रीमियम उठाए दो का बेच दें अपॉर्चुनिटी है बट क्या exactly एग्जैक्टली ऐसा पैसा बनता है क्या इतना ईजी यहाँ पर बनाना है नहीं यहाँ पर पाँच दिन एक्सपायरी है इट मीन्स आप पहली चीज़ नंबर ऑफ़ ट्रेड्स ज़्यादा लेने वालों क्योंकि जब भी एक्सपायरी होता है हमारे दिमाग में पहले से वो जब ये एक्सपायरीज अभी नहीं आई थी जब थर्सडे को एक्सपायरी होता था तो मेरे दिमाग में एक एक प्रोस्पेक्टिव हमेशा रहता था कि यार एक्सपायरी के दिन आज हमें मूवमेंट मिलेगा आज सुबह भी हमारे प्रीमियम अच्छे भागेंगे शाम को भी मतलब दिन के बीच में भी अच्छे भागेंगे मार्केट क्लोजिंग में भी अच्छे भागेंगे तो एवरेज में जब ट्रेड करता हूँ और दिनों में जब मैं ट्रेड करता था तो दो चार ट्रेड मैंने किए लेकिन एक्सपायरी के दिन मेरे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स होते थे है ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स होता है अगर मैंने एक लाख का प्रॉफिट भी बनाया तो वहाँ पर क्या होता था दस से पंद्रह हज़ार मेरा सिर्फ चार्जेस ही करता था इट मीन्स क्या मैं क्या कर रहा हूँ एक्सपायरी के दिन ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ कंपेटिवली अदर अदर डेज़ क्योंकि मेरे को ये पता था कि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम भागते हैं अच्छा पैसा बनता है अब क्या हो गया अब आपको पता है कि मंडे टू फ्राइडे रोज़ एक्सपायरी है इट मीन्स आप क्या होने वाला है आपके पैसे रोज़ बनने वाले हैं या पैसे आपके रोज़ बन सकते हैं ये आपके अंदर एक एक तरीके से होप आ गई है ये आपके अंदर एक उम्मीद आ गई है बट ये ही सबसे बड़ा ट्रैप है यहाँ पे ठीक है तो जैसे अपन ने अपना ट्रेडिंग को कंटिन्यू किया एफ एन ओ में लॉसेस लॉसेस से कैसे अपन क्या बोलते हैं कवर अप करके फो दो साल का ओवरऑल जो लॉस था वो ऑलमोस्ट चार महीने में कवर अप हुआ आई होप आपने वीडियो देखा होगा मेरे चैनल पर है अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो मैंने आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हो वहाँ पर वो वीडियो मिल देखने को मिल जाएगा और आप पूरा वीडियो चेकआउट कर सकते हो ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं कि मैंने चीज़ें सीखी क्या और आप मेरे एक्सपीरियंस से क्या सीख सकते हो सो so, अपने एक्सपीरियंस आपको कुछ चीज़ें बता दो पहला है जब आप एफ़ के अंदर एंटर कर रहे हो तो एफ़ में मैं जो सोच के आया था कि यार यहाँ पर मेरा जो रिटर्न ऑन माई इन्वेस्टमेंट आर ओ है काफ़ी अच्छा बन जाएगा ठीक है यहाँ पर अच्छा है एक दिन बनता है दो दिन बनता है तीन दिन बनता है चार दिन बनता है पाँच दिन इवन इवन एक एक महीना दो दो महीना आप कंसिस्टेंट पैसा बनाते हो बट ये जो जितनी लंबी आपकी कंसिस्टेंसी चलती है उतना ही बड़ा आपको यहाँ पर लॉस फेस करने को मिलता है रीज़न बताता हूँ क्यों रीज़न है ओवर कॉन्फिडेंस क्योंकि आप अपने आप को यहाँ पर क्या समझने लग जाते हो एक तरीके से प्रो ट्रेडर एक तरीके से भगवान समझने लग जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार मैंने लास्ट वन मंथ में या लास्ट वन वीक ओवरऑल ग्रीन निकाला है लास्ट वन मंथ टू मंथ मैंने पैसा बनाया है इट मीन्स अभी आने वाले दिनों में मैं और अच्छा पैसा बना लूँगा क्या क्या अंदर आ गया एक ईगो एक ओवर कॉन्फिडेंस तो ये दो चीज़ें जब आने लग जाती हैं ट्रेडिंग के अंदर और आप कंसिस्टेंट पैसा बनाते हो तो ये दो आपके अंदर जो फैक्टर आते हैं ये बहुत डेंजर होते हैं आपके बड़े लॉस के लिए तो इसमें क्या होता है सिंपल सा किसी दिन आपको आपने मार्केट आप सैटरडे संडे था आपने इंजॉय किया मंडे को मार्केट ओपन हुआ आपने आपने देखा गया प्रीवियस मंथ मैंने बहुत अच्छा निकाला इस मंथ में आपके इस दिमाग में सिंपल सा यही थाट रहेगा कि इस मंथ में मैं बहुत अच्छा पैसा बना लूँगा अब मार्केट में मार्केट ओपन हुआ आपने ट्रेड डाला ट्रेड में आपको लॉस हो गया लॉस क्या था लॉस कैसा होता है फ़र्स्ट लॉस होता है मतलब एक तरीके से आपका एक्सपेक्टे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बड़ा लॉस जब भी आपकी एक्सपेक्टेशन से बड़ा बड़ा लॉस आता है आपके अंदर क्या होता है आप डिसिप्लिन अभी तक थे आप डिसिप्लिन से आपके अंदर क्या लग आने लग जाते हैं इमोशनल फैक्टर आने लग जाते हैं आप इमोशंस में ट्रेड करने लग जाते हो वहाँ पर क्यों क्योंकि आप वो एक्सेप्ट नहीं करते आपने प्लान नहीं किया था आपने पाँच लाख से ट्रेड डाला आपने आपको दस बीस तीस पचास हज़ार या एक लाख का लॉस देखने की आदत है आपने सीधा क्या देख दिया दो लाख का लॉस दो लाख का लॉस क्या है आपका जो आपने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग दो लाख का लॉस आपको एक्सेप्टेबल नहीं है ना आप अभी तक प्रॉफिट बना रहे थे तो आपका अभी लॉस हो चुका है आपकी लिमिट से ज़्यादा या आपकी प्लानिंग से बड़ा लॉस हो चुका है तो आपके दिमाग में पहला पॉइंट क्लिक करता है वो है रिकवर इस लॉस को मैं रिकवर करूँगा और सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ पर होती है जब आप ये सोचते हो कि इस लॉस को मैं आज ही रिकवर करूँगा तो जब आज ही रिकवर करूंगा इस लॉस को ये थॉट जब भी आपके दिमाग में आता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप कमेंट करके बताया ना यहाँ इस, इसी थॉट प्रोसेस के बाद आपका सबसे बड़ा लॉस होता है और जैसे ये थॉट आया और आपने इस थॉट के बाद अपना डिसीजन अपना रूल ब्रेक करके अपना मतलब रैंडम डिसीजन ले लिया मार्केट में और इमीडिएट उसको कवर करने चले गए तो वहाँ पर मेजर लॉसेज देखने को मिलते हैं तो ये है अपना फर्स्ट पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपना ट्रेडिंग से किया हमारे को सबसे मेजर लॉस कब होता है दूसरा लॉस होता है दूसरा सबसे मेजर लॉस कहाँ पर फेस करने को मिलता है एक तो हो गया कि आप जब कंसिस्टेंसी से पैसा बना रहे हो लगातार पैसा बना रहे हो एक दिन आपके साथ एक तरीके से जिसको कहते हैं अनहोनी होगी जिसको आपने प्रिडिक्ट नहीं किया था और आप उसको कवर करने के लिए और ये मेजर लॉस कितना बड़ा होता है ये भी आपको बताता हूँ आपने एक दो महीना तीन महीना अच्छा पैसा बनाया एक दिन या एक दो एक से या एक एक दिन से लेकर एक हफ्ते के बीच का ड्यूरेशन होगा जिसके अंदर आप अपने दो महीने का पूरा का पूरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दोगे देन इसके बाद क्या होता है अब आपके अंदर अभी तक रिवेंज ट्रेड आपने किया आपने रिकवर करने के लिए और रिकवर करने के चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग अलग से करते हो आप अपना ट्रेड प्लान भूल चुके हो आप इमोशंस के अंदर मतलब आपको आपके ऊपर आपके इमोशंस आ चुके हैं है ना आपके ऊपर आपके इमोशंस हावी हुए हैं तो आपने लॉसेस कर दिया कौन क्या लॉस किया अभी तक का जो आपने कमाया था अब अभी तक का आपने जो कमाया वो एक दिन या एक हफ्ते में लूज़ हो गया तो सबसे पहला पॉइंट दिमाग में आता है कि ये कैसे मेरे साथ हो सकता है सेल्फ डाउट आप वहाँ पर ये भूल जाते हो कि यार आपने एक महीना दो महीना एक सिस्टम को फॉलो किया आपने पैसा बनाया अब आप अब वो वहाँ पर जो आपको एक हफ्ते में जो लॉस हुआ है वहाँ पर आपसे क्या गलती हुई वो पॉइंट वहाँ पर मिस आउट हो जाता है आप सिर्फ सिर्फ क्या करने जाते हो सेल्फ डाउट यार कैसे हो गया है ना कैसे हो गया तो इट मीन्स वहाँ पर फिर एक और आपके दिमाग में आता है कि दो महीने वहाँ आपके पास जो प्रॉफिट हुआ कहीं ना कहीं आपने अपने आप को अपग्रेड किया होगा अपना मेरी थॉट प्रोसेस को अपग्रेड किया होगा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का बिल्डअप हो गया होगा अब आप ये सोचते हुए कि वापस से मुझे सपोज़ कि आपने एक लाख से ट्रेड मारा था आपने दो महीने में उस एक लाख को दो लाख बना दिया है ना फिफ्टी फिफ्टी थाउजेंड का प्रॉफिट बनाया दो लाख बना दिया अब आपका जो माइंड है है ना वो एक लाख के अकॉर्डिंग आपको जज नहीं कर आप जो ट्रेडर हो एक लाख के ट्रेडर नहीं हो अभी आप दो लाख के ट्रेडर हो क्योंकि आपने दो महीना बहुत बड़ा टाइम होता है दो महीने के अंदर आपके दिमाग जो है किस पर फिक्स हो चुका है कि आप जो ट्रेड करते हो आपके पास जो पैसा है दो लाख है दो लाख है दो लाख है यह आपका दिमाग आपको बार बार बोलता है आपके अंदर इसी का एक मतलब एक तरह से घमंड भी है कॉन्फिडेंस भी है ठीक है तो जब वो एक लाख रुपए आपका एक हफ्ते में वाइप आउट हो जाता है है ना आपके लॉसेस से वाइप आउट हो जाता है तो अब आपके दिमाग में सिंपल सा एक पॉइंट आता है कि उस जो एक लाख जो हमारा गया हुआ है उसको वापस से मैं कवर करके वही स्टेज पर पहुँचूँ जहाँ पर मैं अभी तक था जहाँ पर मुझे काफ़ी खुशी मिल रही थी जहाँ पर मेरे को काफ़ी कम्फर्ट मिला था तो इसी चीज़ उसी वापस वही वही स्टेज गेन करने के चक्कर में वही पॉइंट को आपको उसी पॉइंट पर आपको पहुंचने के पहुंचने के अपने आपको उस पॉइंट पर पहुंचाने के लिए जो आप डिसीजंस लेते हो वहां पर आपको सबसे बड़ा और मेजर लॉस फेस करना पड़ता है जिसकी वजह से आप जो अपना जेब में लाया हुआ पैसा भी क्या कर देते हो डुबा बैठते हो क्योंकि आपको एक बार आप मार्केट में स्टार्ट किए स्लो एंड स्टडी आपने ग्रो किया बहुत अच्छा लग रहा था आपको बहुत इजी लग रहा था मार्केट आप बहुत कंफर्टेबल जोन में थे आपने अपने आप को जीरो से स्टार्ट किया आपने अपने आपको फाइव पर पहुंचा दिया फाइव से वापस आप वन पर आ गए लेकिन आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है फाइव के अकॉर्डिंग ही चल रहा है आपके डिसीजन क्या है फाइव के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं आपने धीरे धीरे वो टाइम के साथ हमने आपको फाइव के अकॉर्ड फाइव के स्कोर के अकॉर्डिंग ही शिफ्ट कर लिया है बट धड़ाम से अगर आप किसी एक दिन गिर जाते हो किसी एक वीक में फाइव से टू पर आ जाए तो, तो वहाँ पर हर किसी के लिए वो सिचुएशन एक्सेप्टेबल नहीं नहीं होती है हर कोई उस सिचुएसन के साथ कम्फर्ट नहीं होता है वही ऐसा टाइम होता है जहाँ पर आप अपने डिसीजनस को गलत लेते हो और ट्रेडिंग के अंदर आपने शॉर्ट डिसीजन ले लिए सौ डिसीजन में आपने आ, क्या बोलते हैं एक एक दो दो परसेंट एक एक दो सौ दो दो परसेंट बनाया और एक गलत डिसीज़न लिया किसी दिन किसी हफ़्ते में आप कुछ गलत डिसीजन चले और उस हफ़्ते में आपने हंड्रेड परसेंट लूज़ कर दिया इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट तो इस वजह से मैक्सिमम मेजर लॉसेज होते हैं जो मेरे साथ मैं भी ऑब्जर्व किया हुआ जो मेरे साथ भी हुए हैं तो ये एक मेन रीज़न है ठीक है सो so, तो यहाँ पर दूसरा जो कंसर्न है मेरा वो ये है कि साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है या साइकोलॉजी आपका इस्ट्रॉग होगा तब आप पैसा बना सकते हो या आपका एनालिसिस स्ट्रॉग है तब पैसा बना सकते हो देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा आपको एनालिसिस आता है हर किसी को एनालिसिस आता है आपने दस में से आठ बार अगर आप मार्केट को जज करोगे ना आप ये बोलोगे कि आज ये ऊपर जाएगा यहाँ से नीचे जाएगा वो जाता है ठीक है इट मीन्स एक तरीके से कह सकते हो अगर आपको मैं कहूँ आप आप किसी को कॉल टिप दो या किसी को ट्रेड दो आप इजीली दे सकते हो इजीली दे सकते हो बट आप क्या इजीली ट्रेड कर सकते हो उस पर बिल्कुल नहीं कर सकते रीज़न बताता क्यों देखो यहाँ पर साइकोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है या इमोशंस जो आपके अंदर आते हैं इमोशनल इम्बेलेंस जो आता है ये ऐसा क्यों आता है मेन पर्स्पेक्टिव है मेन पॉइंट है यहाँ पर जो आप ट्रेडिंग में जो आप पैसा लेके आए हो वो पैसा कहाँ से है वो पैसा है आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा इट मीन्स आपका क्या है आपने वहाँ पर टाइम दिया है आपका वैल्यू उस पैसे से है तो आप जो पैसा मार्केट में लेके आए हो तो आपका मेहनत का इट आइटमस आपका उस पैसे से क्या है एक अटैचमेंट है एक लगाव है वो अटैचमेंट जो आपके पैसे के साथ जो अटैचमेंट है वही यहाँ पर आप आपको आपके अंदर इमोशंस क्रिएट करता है या आपकी क्या बोलते हैं भावनाओं को बाहर निकालता है जब आपका ट्रेड आपका पैसा वहाँ पर मार्केट में बर्बाद होने लगता है ये मेन रीज़न है अब आप सोचोगे कि यार ये साइकोलॉजी इंप्रूव कैसे होती है या हम साइकोलॉजी पे कैसे काम करें साइकोलॉजी ठीक क्यों नहीं होता है ये साइकोलॉजी हर किसी का अलग है कोई किसी को किसी की साइकोलॉजी को इम्प्रूव नहीं करा सकता क्यों ये मैं बताता हूँ क्योंकि आप जहाँ से पैसा लाए हो आप किससे पैसा लेके आए हो आप आपने अपने मम्मी पापा से मांगा है आपने किसी दोस्त से उधार लिया है आपने लोन लिया है या आप जॉब पर जो आपने कमाया था पिछले एक दो महीने में तीन महीने में छः महीने में साल भर है आप वो पैसा लेके आए हो तो हम किसी को सामने वाले को नहीं पता कि आपकी आपका जो ट्रेड में पैसा लगा है उससे आपकी नीड क्या है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है और वो पैसा आपके लिए क्या जरूरी है या उस पैसे को लेकर आप खाली मार्केट में टेस्ट कर रहे हो ठीक है तो एक चीज़ हमेशा देखना क्या होता है जब आपको पैसे की नीड होती है या उस जो पैसा मार्केट में ट्रेड में लगा रहे हो उस पैसे से आपको ज़रूरत है या उस पैसे से आपको क्या है आ, कुछ पैसा चाहिए कुछ रिटर्न चाहिए आप कभी भी यहाँ पर पैसा नहीं बना सकते स्ट्रेट पॉइंट है आपको अगर नीड है मार्केट में आप ये सोच रहे हो कि मैं इतना पैसा लगा के इतना पैसा बनाऊं मैं एक लाख लगा के दस हज़ार बनाऊं बन जाएगा बन जाएगा दस का बीस बनेगा बीस का तीस बनेगा ये ये नीड धीरे धीरे किस्म ये नीड आपकी जो क्या बनने लग जाएगी धीरे धीरे ग्रीड बनने लग जाएगी और एक का बना भी लोगे आप डेढ़ लाख लेकिन वो डेढ़ लाख का पचास हज़ार वापस कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा ठीक है तो आपका इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल अटैचमेंट जो पैसे के साथ है वो यहाँ पर डिसी वो ही डिसाइड करता है कि आप यहाँ पर पैसा बनाने वाले हो नहीं बनाने वाले ठीक है कोई है कोई भी ट्रेडर है जो एक अपना उसके पास वन करोड़ का कैपिटल पड़ा है और वो करोड़ का 10% परसेंट यूज़ करता है मतलब 10 लाख ट्रेड में यूज़ करता है एज ऑप्शन बाय दूसरा बंदा है जिसके पास दस लाख कैपिटल पड़ा है और दस का दस पूरा यहाँ पर यूज़ कर रहा है एज ऑप्शन बैर कौन पैसा बनाने वाला है यहाँ पर सिर्फ वही पैसा बनाएगा जो अपना जिसके पास अपना एक अच्छा बैकअप है जो यहाँ पर वन करोड़ का कैपिटल लेके आया उसको पता है कि यार हाँ मेरे पास नाइन्टी लैख क्या है बैकअप में मैं टेन लैक यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो अगर टेन से उसने किसी भी स्ट्राइक प्राइस को किस पे उठाया हंड्रेड पर उठाया है अगर वो सेवेंटी तक का उसने रिट्रेसमेंट दिया है उसको तीन ही लाख का लॉस होगा ओवरऑल कैपिटल का तीन ही परसेंट लॉस होगा उसे कोई दिक्कत नहीं होल्ड करेगा लेकिन एट द सेम टाइम जो अपना दस लाख का कैपिटल लेके आया है या उसके पास दस लाख का कैपिटल पूरे कैपिटल को मार्केट में उसने डीमेट अकाउंट में डाला है उसने हंड्रेड पर कोई प्रीमियम उठाया और वही प्रीमियम थर्टी सेवेंटी चला गया उसको स्टेड लॉस होने वाला है तीन लाख का तीन लाख मतलब उसके ओवरऑल कैपिटल का थर्टी परसेंट और क्या करेगा डर के मारे पैनिक में क्योंकि उसका पैसा वहाँ पर जा रहा है वो उसको थर्टी परसेंट रिप्लेसमेंट में काट देगा वहीं से वो प्रीमियम वन फिफ्टी चले आता है जो वहाँ पर टेन लाख से ट्रेड करा है अपने टेन परसेंट कैपिटल से ट्रेड करा है वो वहाँ पर पाँच लाख का प्रॉफिट बनाने वाला है और वही सेम पर्सन जो अपना ओवरऑल हंड्रेड परसेंट कैपिटल से ट्रेड कर रहा है वो क्या करने वाला है वहाँ पर अपना थर्टी परसेंट का लॉस करने वाला है तो ये ये डिफरेंस ये जो डिफरेंस है ना कि कौन ट्रेडर अपना फ़ंड कैसे मैनेज कर रहा है और उसने अपनी साइकोलॉजी को कैसे स्टेबल किया है वही डिफरेंस यहाँ पर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या आपको एक लॉन्गर टर्म में आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे या आप कुछ टाइम में अपना अकाउंट ब्लो कर पाओगे वही यही डिफरेंस डिसाइड करता है ठीक है क्योंकि आपके पास बैकअप में जो फंड रहेगा वो ही आपका एक तरीके से आपकी साइकोलॉजी को स्टेबल करके रखेगा मेन चीज़ है मार्केट के अंदर अपनी साइकोलॉजी को स्टेबल रखना जब तक आपने देखा होगा जब तक आप कंटिन्यू प्रॉफिट बनाते हो आपकी साइकोलॉजी बहुत स्टेबल रहती है आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा आता है आप का काफ़ी सारे मतलब दस में से आपके एटलीस्ट सात आठ डिसीजन ठीक ही रहते दो तीन गलत रहते हैं तो आप उसको मैनेज कर दो लेकिन किसी भी एक दिन आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है और उसके बाद आपका लूजिंग स्टेट वहीं से स्टार्ट होने लग जाता है क्योंकि आप पैसे को ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हो तो मेन चीज़ है यहाँ पे आप जो पैसा मार्केट में लेके आ रहे हो वो पैसे के साथ आपका अटैचमेंट क्या है वो पैसे से आपको नीड क्या है उस पैसे से आपको रिक्वायरमेंट क्या है उस पैसे के से आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है जितना कम एक्सपेक्टेशन रखोगे जितनी कम नीड रखोगे जितनी कम रिक्वायरमेंट्स रखोगे उस पैसे से और जितना कम उस पैसे से आप प्यार करोगे उतना ज़्यादा आप मार्केट में टिकोगे उतना लॉन्गर टर्म में आप प्रॉफिटेबिलिटी में निकल आओगे उतना लॉन्गर टर्म में मार्केट में अपना क्या बोलते हैं पकड़ बना पाओगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो पैसा आप लेके आ रहे हैं उस, उसके साथ आपका लगाव नहीं होना चाहिए अगर आपका लगाव है आप लॉस कर दोगे क्योंकि आपको एक चीज़ पता है कि अगर मैं यहाँ पर हंड्रेड रुपये पर मैंने प्रीमियम बाई किया है हंड्रेड का एट्टी जाने जा सकता है मेरा एसल है अगर वो चीज़ आपने प्लान किया है और आप टेन लाख का कैपिटल डिप्यो वगैरह आपको पता है कि मेरा दो लाख जाएगा तो उसके अगेंस्ट में आप चार लाख का बनाने के लिए प्लान करते हो तो इज़िली आप दो लाख दोगे क्यों क्योंकि आपने प्री डिसाइड है प्री डिसाइडेड है और आप पहले से प्लान करके बैठे हो और आपको उस दो लाख के लॉस से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको उस दो लाख के लॉस से फ़र्क पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इट मींस अगर आपने हंड्रेड रुपीज़ पर कोई प्रीमियम उठाया और हंड्रेड का वो नाइन्टी फाइव चले जाएगा ना वहाँ से आपके आपका जो डिसीजन था जो पहले आपने प्लान किया था कि हंड्रेड का प्रीमियम वन थर्टी वन फोर्टी मुझे दिखा सकता है वो प्लान चेंज हो जाएगा आपको सेल्फ डाउट सेल्फ डाउट आएगा और नाइन्टी फाइव के बजाय जब से चलाएगा आप डल के मारे उसको काट दोगे और वही प्रीमियम वापस से वन फिफ्टी का हाई लगाएगा फिर आपको रिग्रेट होता है और ये जब ये सर्कल जब चलने लग जाता है ना ये रिग्रेट वाला ट्रेड मिस करने वाला फोमो वाला फैक्टर तो अब आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाते हो ठीक है तो एफ एन ओ ट्रेडिंग में पैसा बनता है एक फ्लो में पैसा बनता है बट मेन चीज़ होती है मनी मैनेजमेंट आपने एक बार पैसा बनाया उस पैसे को आपने क्या डाइवर्सीफाई कर देना सीधे सीधे आप उस पैसे को उठाओ जो आपने प्रॉफिट बनाया है उस पैसे को साइड करो सबसे पहला टास्क होता है आपने अगर एक लाख रुपए लेके आपने एक लाख से दो लाख बनाया आपका पहला काम है जो आपका एक लाख रुपए कैपिटल मार्केट में आया है जो आप अपनी जेब से लेके आया आप उसको साइड कर दो अब क्या कर रहे हो आप अब जो ट्रेड कर रहे हो जिस पैसे से वो आपका प्रॉफिट का पैसा है प्रॉफिट का पैसा इट मीन्स अब आपको थोड़ा सा आपका रिस्क कम हो गया है आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा कि आप जब ट्रेड कर रहे हो ये मार्केट का ही पैसा है अब इसी से मैं जितना बनाऊंगा वो सब इसी से बनाऊंगा और जो मेरा लॉस होगा वो मार्केट के पैसे से होगा मेरे जेब के पैसे से नहीं होगा मेन गलती यहाँ पर क्या होती है जब आपने एक आप छोटे कैपिटल को ग्रो कर रहे होते हो एक लाख का दो लाख बनाए आप क्या कर रहे होते हो आप उसको कंपाउंडिंग की स्पीड से ग्रो करना चाहते हो कैसे एक का दो दो का चार ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एक का दो बनाओगे दो का चार बनाओगे चार का वापस से चाल चालीस हज़ार कब बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा ठीक है तो ट्राई करो कि आपका जो प्रॉफिट बना है प्रॉफिट को आप घर क्या बोलते हैं घर लेके जाओ पहला प्रॉफिट में से जो आपने डिप्लॉयड कैपिटल आप उसको घर लेके जाओ फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बनाता प्रॉफिट के पैसे पर ट्रेड करो और ट्रे, ट्राई करो जब आपका प्रॉफिट का पैसा आ जाता है तो ट्राई करो कि आप मैक्सिमम रिटर्न पर फोकस करने के बजाय मिनिमम रिटर्न और स्टेबल रिटर्न पर काम करो मिनिमम रिटर्न और स्टेबल रिटर्न मैं कैसे कह रहा हूँ मैं अपनी एग्जाम्पल से बता रहा हूँ जैसे मैं एक स्कैल पर ठीक है आपने देखा होगा मैं स्कैल्पिंग में कितने से करता हूँ दस लाख पंद्रह लाख पाँच लाख दस लाख पंद्रह लाख तो क्या मैं एक डेढ़ करोड़ से नहीं कर सकता कर सकता हूँ बट पाँच दस पंद्रह लाख एक ऐसा अमाउंट है जो अगर मेरा एक दिन में अगर जीरो भी हो जाता है तो वो मेरे को कहीं ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर नहीं करेगा इट मीन्स क्या मेरे क्या मेंटली वहाँ पर मैं स्टेबल हूँ मेरी साइकोलॉजी वहाँ पर स्टेबल है मेरे को एक फियर फैक्टर नाम का एक चीज़ होता है हर किसी के अंदर वो मेरे को नहीं है मेरे को ज़्यादा कोई मार्केट में ट्रेड या मार्केट में ट्रेड डालने के बाद सेल्फ डाउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मेरा कैपिटल है जो मैं ट्रेड में यूज़ किया हूँ वो मार्केट से ही आया हुआ कैपिटल है और जाएगा भी तो उतना ही जाएगा जितना मैंने लगाया है और मुझे पता है अगर पूरा का पूरा चले जाएगा तो इट मीन्स क्या मेरे ओवरऑल कैपिटल का कुछ ही परसेंट है तो मेरे को ज़्यादा इफेक्ट करेगा नहीं करेगा बट एट द सेम टाइम मैं एक एक दो दो करोड़ से अगर वहीं पर ट्रेड मारने लग जाऊँगा तो एक एक कैंडल का एक एक पॉइंट का फ्लक्चुएशन मेरे अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेस पैदा कर देगा या मेरी ट्रेडिंग को इतनी ज़्यादा खराब कर देगा कि मैं चाह के भी चाह के भी लॉन्गर टर्म में पैसा नहीं बना पाऊँगा तो यहाँ पर आप ट्राई करो कि जो भी आप प्रॉफिट बना रहे हो जो भी आपको मार्केट ने रिवॉर्ड दिया है उसको एज अ रिवॉर्ड लो एंड उसको चुपचाप आप अपना डीमेट से ट्रेडिंग अकाउंट जो आपका होना चाहिए उसमें लिमिटेड कैपिटल होना चाहिए जिससे आप एफ ट्रेड करते हो उसको चुपचाप वहाँ से निकालो किसी दूसरे अकाउंट में डालो जहाँ पर आप क्या करते हो इन्वेस्ट करते हो एंड ट्राई करो कि इन्वेस्ट उस पैसे को जो ट्रेडिंग से कमाया हुआ है पैसा है उस पैसे को ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जो जो लॉन्गर टर्म में एक तरीके से ब्लू चिप स्टॉक्स हैं और लॉन्गर टर्म में आपको जो अच्छा खासा सी ए जे आर निकाल के देते हैं दस से पंद्रह परसेंट साल का तो इट मीन्स क्या है वहाँ पर आपका कैपिटल स्टेबल भी रहेगा और धीरे धीरे ग्रो होता भी रहेगा रैदर दैन पुटिंग ऑन ऑन द बैंक और आपको उस स्टॉक्स को बे बेचने में उस, उन स्टॉक्स को खाली करके उस अकाउंट से निकाल के अपने इस ट्रेडिंग अकाउंट में डालने में और उसमें ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा एक क्या है काफ़ी डिसीजन लेने पड़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा तो ये चीज़ ये जो प्रोसेस है इसमें टाइम लगता है और एक बार आपसे कुछ गलती हुई गलती के बाद नया पैसा आने में अगर आपके पास टाइम लग रहा है तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि आप बड़ा लॉस करो लेकिन अगर आपसे कोई मार्केट में लॉस हुआ आपने लॉस लिया कोई बड़ा लॉस और इमीडिएट आपके पास पैसा है या इमीडिएट आपके पास आ, मनी का सोर्स है जो आप तुरंत पुट ऑन करके उस लॉस को कवर करने चले जाओ तो वहाँ पर हाई चांस है कि आपका पैसा लॉस वहाँ पर काफ़ी बड़ा हो सकता है तो ये कुछ पॉइंट थे कि जो मेरा एक्सपीरियंस जो मैं मार्केट में इतने टाइम से यहाँ पर ट्रेड कर रहा एन ओ के अंदर ट्रेड कर रहा करो स्कैल्प कर रहा हूँ तो उससे उसके एक्सपीरियंस के बेसिस में आपके साथ शेयर करना चाह रहा था दूसरा एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो है स्कैल्पिंग कि मैं स्कैल्पिंग क्यों करता हूँ मैं लॉन्ग ट्रेड्स होल्ड क्यों नहीं करता मैं ऐप को एक अपना व्यू बना रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग में आप लॉन्ग ट्रेड कभी लॉन्ग ट्रेड इंटर डे में क्या बोलते हैं जो डे ट्रेडिंग होती है जिसमें आप एक ट्रेड को होल्ड करके एक एक ही ट्रेड में अच्छा रिटर्न बनाने की कोशिश करते हो उसमें आप लॉन्गर टर्म में ऑप्शन बाइंग में मुझे नहीं लगता पैसा बना पाओगे मैं मैं तो नहीं बना पाया किसी भी लॉन्ग ट्रेड को लॉन्ग होल्ड करके बट एज ए स्कैल्पर स्कैल्पिंग में सिंपल सा है मुझे मार्केट मार्केट आपको क्या करता है मार्केट का जो प्रीमियम है किसी भी स्ट्राइक एट द मनी का अगर स्ट्राइक प्राइस चल रहा है तो प्रीमियम का इजी मूवमेंट कितना आता है ट्वेंटी थर्टी परसेंट एवरेज मूवमेंट होता है एवरेज डेली मूवमेंट इतना तो देगा ही देगा एक प्रीमियम तो जो चीज़ डेली हो रही है मैं वहाँ पर फोकस करता रहा हूँ और वो चीज़ मुझे किस में मिल जाता है स्कैल्पिंग में मिल जाता है मुझे पाँच से दस मिल रहा है मार्केट एवरेज मार्केट के प्रीमियम जो ऑप्शनस के प्रीमियम एवरेज डेली में थर्टी परसेंट का मूवमेंट दे दें थर्टी फोर्टी परसेंट ईजीली मूवमेंट दे दें तो इट मीनस क्या है मेरे ऑप्शन स्कैल्पिंग में मुझे ट्रेड्स मिलने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है मुझे बीस तीस परसेंट ईजीली मिल जाएगा पाँच दस पंद्रह बीस परसेंट मिल जाएगा वहीं अगर मैं डे ट्रेड में कोई ट्रेड को होल्ड करके मैं यही सोचूँ कि आज मैं दो ट्रेड लूँगा और इनको पूरे डायरेक्शन को ट्रेड करूँगा और वहाँ पर लॉन्गर टर्म में मैं पैसा बनाऊँ ऑप्शन बाइंग के अंदर ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मार्केट आपको क्योंकि आप वहाँ पर एक फिक्स जगह पर आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा है ना तो आपने देखा होगा मैक्सिमम ऑफ द टाइम मार्केट ट्रैप करके फिर मूव करता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम मार्केट स्टॉप लॉस खा के फिर मूव करता है तो लॉन्ग ट्रेड या लॉन्ग रिटर्न बनाना या बड़े रिटर्न बनाना ऑप्शन बाइंग में अच्छा तो लगता है आपको दस का प्रीमियम सौ गया लेकिन आपका अकाउंट का कैपिटल एक लाख का आपका कैपिटल है और क्या आप उसको दस का प्रीमियम दस उठा के सौ तक का कभी होल्ड कर पाओगे कभी भी नहीं कर पाओगे ठीक है तो आप जितना एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न पर जितना ज़्यादा फोकस करोगे तो उतना ज़्यादा आप मार्केट में स्टेबल रहोगे आप अनएक्सपेक्टेड रिटर्न पर अपना ध्यान लगाओगे कि यार मैं यहाँ पर पैसा दो गुना तीन गुना बना दूँ तो आप वो मार्केट के अंदर यहाँ पर कंप्लीट एक तरीके से अपना अकाउंट ब्लो करके जाओगे तो जितना कम रिटर्न्स पर आप फोकस करोगे उतना अच्छे आपके रिटर्न्स बनेंगे और उतना लॉन्गर टर्म में आप यहाँ पर सस्टेन कर सकते हैं और उतना लॉन्गर टर्म में आप आप अपने क्या बोलते हैं छोटे छोटे रिटर्न बना के अच्छा खासा अपना आर ओ आई मंथली आर ओ आई आर ओ आई या ईयरली आर ओ आई निकाल सकते हो बट जितना ज़्यादा बड़े रिटर्न पर बड़ा पैसा बनाने पर यहाँ पर फोकस करोगे आप यहाँ पर कभी भी अपना जो है कैपिटल वो ग्रो नहीं कर पाओगे तो ये कुछ पॉइंट्स थे ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड जो एफ एन ओ ट्रेड करते हैं और खासकर जो बिगनर है जो मार्केट में अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए तो ये पॉइंट्स आपको आपका आपसे रिलेट कर रहे होंगे या मैं तो ट्रेड कर रहा हूँ तो अपन ये ये चीज़ हम रोज़ फेस करते हैं रोज़ ऑप्शन में ट्रेड कर रहे होते हैं तो फेस कर रहे होते हैं और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो होता है थोड़ा सा पेशेंस बिल्डअप करना क्योंकि आपको पता है ऑप्शन बायर का मार्केट थर्टी परसेंट है इट मींस क्या अगर आप जब ट्रेड कर रहे हो मार्केट में और दस में से सात बार ही ऑप्शन बायर के लिए मार्केट चलेगा ऑप्शन बायर के लिए कैसे दस में से सात बार ही प्रीमियम आपके बहुत अच्छे बहुत एक वन डायरेक्शनल मूव करेंगे लेकिन दस में से मतलब आई मीन टू से दस में से तीन बार ही प्रीमियम बहुत अच्छा मूव करेंगे दस में से सात बार वो प्रीमियम अच्छा मूव नहीं करते वो प्रीमियम रेंज में मूव करता है तो वो जब प्रीमियम रेंज में मूव करा है दस में से आपके विन रेट हंड्रेड में से थर्टी परसेंट ही है तो आपका यहाँ पर पेशेंस बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप अंधा मार्केट में अगर ट्रेड मारे हो गए मॉर्निंग में आपको बोला कि आपका डिसिप्लिन है चार ट्रेड लेने का या तीन ट्रेड लेने का और आप क्या ले रहे हो बीस बीस तीस तीस पचास पचास ट्रेड ले रहे हो आप खुद ही एक पॉइंट अपने आप को लॉजिकल पॉइंट से सोचो कि आप क्या कर रहे हो दिन में कितने डिसीजन ले रहे हो आपने तीस ट्रेड लिए आपने बीस ट्रेड लिए आप कितने डिसीजन ले रहे हो बीस डिसीजन ले दो तीस डिसीजन ले दो तो क्या इसकी इसकी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लिटी है कि यार आपके बीस के बीस डिसीजन ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे ना आपने देखा जब भी आपका गलत डिसीजन होता है आपको बड़ा लॉस होता है या आप, आप वहाँ पर लॉस कर जाते हो वो भी बड़ा है ना तो ट्राई कर करो कि आपका जब इंटरडे में आप जब ट्रेड करो तो आपके जो डिसीजन्स होने चाहिए अच्छे होने चाहिए और कम होने चाहिए अगर आप दो डिसीजन लोगे तो आपका एक डिसीजन की ठीक होने की प्रॉब्लिटी कितना है फिफ्टी परसेंट मतलब वो डिसीजन आपने लिया एनालिसिस करके लिया वो चांस हो गया तो फिफ्टी परसेंट अगर वो डिसीजन सही है तो चला तो इट मीनस आपका विन रेट दैट वहाँ पर फिफ्टी परसेंट है लेकिन वही आपका जब कोई ट्रेड आप दस डिसीजन लेते हो दस ट्रेड ले इसमें आपने दस बार डिसीजन लिया दस बार डिसाइड किया कि यहाँ पर ख़रीद लेता हूँ यहाँ पर भेज देता हूँ तो दस में से एक डिसीजन की किसी भी एक डिसीजन की सही होने की प्रॉबर्टी कितना है टेन परसेंट तो यहाँ पर आपके दस के दस डिसीजन कभी भी ठीक नहीं हो सकते और आपको यही नहीं पता कि कौन सा गलत डिसीजन आपका पूरा अकाउंट बर्बाद कर सकता है या आपका पूरा का पूरा कैपिटल उड़ा सकता है तो कोशिश करा करा करो कि रैदर देन ट्रेडिंग विद द क्वांटिटी या क्या बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स आप ट्राई करो कि आप क्या क्वालिटी ट्रेड्स करो और ट्रेड्स के नंबर दो ट्रेड तीन ट्रेड चार ट्रेड इनफ होता है इधर का चार ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड अगर आप ले रहे हो आप लॉन्गर टर्म में यहाँ पर कभी भी ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना पाओगे क्योंकि आप किसको उम्मीद कर रहे हो सिर्फ ब्रोकर को गवर्नमेंट को आप अकाउंट में पैसा डालते हो क्या बोलते हैं उस पर भी कुछ चार्जेस गवर्नमेंट काटती है है ना आपको लॉस होता है आपके इतने चार्जेस करते हैं आपको प्रॉफिट होता है चार्जेस करते हैं तो कुल मिला के आपके इस एक्टिविटीज से प्रॉफिट कोई और कमा रहा है है ना आप सिर्फ क्या कर रहे हो अपना कैपिटल यहाँ पर लूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंसली यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है आप ज़्यादा ग्रीड के साथ या ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में या ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर काम करोगे तो आप कभी भी यहाँ पर पैसा नहीं बना सकते तो जितना कम ग्रीड के साथ जितना कम एक्सपेक्टेशन के साथ और जितना छोटे रिटर्न में आप काम करोगे कि यार मेरे को एटलीस्ट महीने का मैं कुछ परसेंट ऑफ़ रिटर्न आपका बन रहा है एक लाख का कैपिटल आपने पाँच का प्रॉफिट बनाया दस का प्रॉफिट बनाया और वो आपका कैपिटल का पाँच फाइव टू टेन इट मींस वो इनफ है भाई इनफ रिटर्न है उससे आपको एक लाख को दो लाख तीन लाख पाँच लाख दस लाख बनाने की कभी मत सोच के आओ ये सोच ही जिस ट्रेड में आपको दस पंद्रह बीस परसेंट रिटर्न भी मिल रहा होगा ना ये जो सोच है जो आपका बड़े बड़े यहाँ पर रिटर्न बनाने की सोच है वो आपको दस पंद्रह बीस परसेंट की रिटर्न में निकल निकलने नहीं देगी जब वो आपके फेवर में चल रहा होगा है ना और वही सोच क्या होगा जब वो ट्रेड आपके अंगेज में चला जाएगा जहाँ पर आपको दस सौ का प्रीमियम एक सौ दस एक सौ पंद्रह एक सौ बीस गया वही प्रीमियम जब सत्ता अस्सी से ले आता है तब भी वही सोच आपको उस ट्रेड को होल्ड करने में मजबूर कर देती है और मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्या होता है वो ट्रेड वहाँ जाके जीरो हो जाता है इसी की वजह से मैक्सिमम यहाँ पर रिटेल ट्रेडर मैक्सिमम लोग अपनी साइकोलॉजी अपने इमोशंस में ट्रेड करना अपनी एक्सपेक्टेशन की वजह से यहाँ पर लॉस करता है मार्केट को यहाँ पर कभी भी ब्लेम करने की जरूरत नहीं है मार्केट में अगर एक दिन के अंदर चालीस से पचास परसेंट प्रीमियम के अंदर एवरेज मूवमेंट आ रहा है इट मीन्स आप मार्केट आपको पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी या मौका दे रहा है बट आप पे डिसाइड करता है वो डिसीजन आप पे है कि आप यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करते हो क्या आप ग्रीड में ट्रेड कर रहे हो या आप क्या होते हैं मार्केट में अपना फंड मैनेज करके अपना रिस्क मैनेज करके या अपनी साइकोलॉजी को स्टेबल करके ट्रेड करते हो ठीक है तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था जस्ट बिकॉज मैक्सिमम लोग यहाँ पे एफएनओ ट्रेडर है मैं भी एफएनओ ट्रेडर हूँ हम लोग और मैं तो खासकर इसके हेल्पर हूँ और अपना जो एक्सपीरियंस है मार्केट में किया मार्केट uh, में एग्जैक्ट हो होता क्या है जब एज ऑप्शन बाहर आप लॉन्गर टर्म में uh, क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म काफ़ी टाइम से मार्केट में काम कर रहे हो तो मार्केट का बिहेवियर जब आप देखते हो मार्केट की मूवमेंट देखते हो मार्केट के अंदर आप एक्सपीरियंस लेते हो तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है तब जाके आपको काफ़ी रियलिटीज़ पता रियलिटी हो, पता होती है और ये एक्सपीरियंस आपको लेने में टाइम लगेगा जैसे आपको नगे बिगनर आ रहा है उसको एटलीस्ट एक से दो साल चाहिए ये सारी चीज़ें देखने में समझने में लेकिन अगर आप किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हो या किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से ये चीज़ें सीखते हो तो आपको हो सकता है जो एक दो साल लगने थे आपको छः महीना या आठ महीना एक साल लगे ठीक है तो दैट्स वाई आई मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ें शेयर करने की कोशिश किया सो आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को या समझने को मिला होगा तो अगर आप आपसे मैं ये चीज़ रिलेट कर पाए तो आप मेक श्योर आप कमेंट जरूर करना बाकी वीडियो को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल टिलडन बाबा सी यू जय हिंद